और खबर रायपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय युवा अवार्ड से सम्मानित नितेश साहू इन दोनों चर्चा में हैं। युवा शिक्षा और रोजगार को लेकर उनकी रणनीति की हर जगह चर्चा हो रही है। नितेश साहू ने जल संरक्षण के बारे में बताया और अच्छे काम करते हुए जीवन यापन राष्ट्र निर्माण में कैसे सहायक होता है इसकी जानकारी दी। वहीं नितेश साहू ने उच्च शिक्षा में गिरते GER पर चिंता जताई है। नितेश साहू से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या राजपूत ने। इस वक्त राष्ट्रीय युवा अवार्ड से सम्मानित नितेश साहू हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अब युवा अवार्ड से सम्मानित हैं तो युवाओं को लेकर उनके बीच क्या विचार है, युवाओं के बीच वो कैसा काम करना चाहते हैं। नितेश जी, सबसे पहले आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि यह अवार्ड देश प्रेम और सामुदायिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मेरे को अवार्ड मिला है और ये अवार्ड युवाओं के बीच में काम करने के लिए मेरे को मिला है, तो मैं आजीवन युवाओं के लिए कार्य करूंगा। तो मेरे को जो अवार्ड मिला था स्वच्छता जल संरक्षण के लिए मिला था, तो मैं इसी समय काम करना चाह रहा हूँ। तो पहले इसमें सोशल काज के लिए काम कर रहा था मैं, तो इसमें सोशल इसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब काम करते करते अनुभव हो रहा है कि इससे युवाओं को बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है स्वच्छता जल संरक्षण के माध्यम से। तो इसको लेकर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कंटिन्यू कि युवा क्लब के माध्यम से, समिति के माध्यम से, स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से उनको मैं कैसे ही लोकल लेवल पे ही उनका स्टार्टअप चालू करूँ, उनको कैसे फाइनेंशियली मदद करूँ। तो अभी कुछ कुछ जगह से बात हुई है, गवर्नमेंट से भी बात चल रही है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस अवार्ड मिलने के बाद मेरे बहुत सारे जो साथी है वो लोग ऑलरेडी इस समय काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं स्टार्टिंग अपने एरिया से ही करना चाह रहा हूँ छोटे लेवल पे, ताकि कुछ बच्चों को स्वच्छता और जल संरक्षण के माध्यम से उनको रोजगार दूँ। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित नितेश साहू का, जिनका कहना है कि युवाओं को लेकर उनके पास बहुत सारी योजनाएं। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत।